लेबनान में इजरायली हमले के बीच हिजबुल्ला ने सीज फायर की मांग की है। यह पहली बार है जब हिजबुल्ला ने सार्वजनिक तौर पर सीज फायर का समर्थन किया है और गाजा में जंग को रोकने के बिना शर्त यह रखी गई है। हिजबुल्ला ने पिछले साल 8 अक्टूबर को हमास का साथ देते हुए इसराइल पर हवाई हमला शुरू किया था। इस घटना के एक साल पूरा होने पर हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने मंगलवार को भाषण दिया। कासिम ने कहा कि हिजबुल्ला सीज फायर के लिए लेबनान संसद अध्यक्ष नबी बेरी की कोशिशों का समर्थन करता है। एक बार सीज फायर हो जाए तो फिर बाकी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। हिजबुल्ला पहले कहता रहा कि वह इसराइल पर हमले तभी रोकेगा जब गाजा में सीज फायर होगा।